पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल है एशिया कप का, आपके क्या कमेंट्स हैं? पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी उमर भाई, देखिए एक्चुअली ओवरऑल श्रीलंका की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, हमें उनको अलगा नहीं लेना है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। अली भाई क्या कहते हैं आप? यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान मेरा फेवरेट टीम है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। हाँ जी भाई, वैस भाई क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान नहीं जी, सब भाइयों ने बता दिया पाकिस्तान जीतेगा। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तान है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बाकी तीन ओवर रह गए हैं, श्रीलंका बैटिंग कर रहा है, तो आप कहां तक टारगेट करते हैं कि होगा? 162। हाँ जी खुरम भाई। 175। हाँ जी उमर भाई। देखिए जी अभी 136 स्कोर हो गया, 37 हो गया, तो तीन ओवर में तकरीबन 30 स्कोर तो डलना चाहिए ना। ठीक हो, तकरीबन हो जाएगा इतना, 170 तक चले जाएंगे। हाँ जी भाई जान। 168 तक पकड़ना है। ठीक है चलें अब देखते हैं जनाब कहां तक फाइनल। मेरी राय जो है मेरी यही है कि 165 से नीचे नहीं चलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्रिडिक्शन की थी अब से कुछ 10 मिनट पहले कि 169 स्कोर होगा, तो यहाँ पर इन्होंने 170 मार दिया, तो वो थोड़ा सा मसला हुआ है, इन्होंने फील्डिंग ख़राब की है, लेकिन हमारा स्कोर एग्जैक्ट बचा है, थोड़ा सा तजर्बा है, फाइनल का प्रेशर है, तो पिछला मैच श्रीलंका जीते हमें, लेकिन ये जो दुबई की पिछली है ना, ये सेकंड बैटिंग को फेवर करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मैच ये ले जाएगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले प्रेडिक्शन की थी कि 170 तक स्कोर जाएगा, तो अभी एग्जैक्ट 170 स्कोर हुआ है। एक्चुअली में ये होता है कि लास्ट ओवर्स में जो फास्ट बॉलर हैं वो भी थोड़ा सा थक जाते हैं और गैप भी वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं स्कोर बढ़ने के, तो मैंने 30-40 स्कोर का मार्जिन बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 तक उन्होंने स्कोर बनाया। अपने कप्तान को इधर आगे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, काम खुद ऐसे काम करता है, सीधी बोल तो हम पकड़ते हैं यार, इतना भी बात नहीं है, सीधी की तो पूरा ग्राउंड गवाह है, सीधी बोल तो हम पकड़ते हैं। हाँ जी पकड़ लेते हैं सीधी बोल। जाता है यार, हद क्या कहोगे कप्तान के बारे, क्या कहोगे, सच कह रहा है यार, जो भी है जैसा भी है हमारा कप्तान बहुत अच्छा है, वो अलग बात है मानते नहीं, जो भी है जैसा भी है इसका 35 कर देता है। एक बॉल 10 स्कोर हो गया भाईजान, और इनके काम चेक कर लें खुशी से। हाँ जी नीक भाई, 10 ओवरों में 103 रह गया, क्या कहते हैं अब आज? ये जो आपका रिजवान है ना, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर की निशानी है, वो आपको मैच एंड तक लेके जाएगा, जब 3 ओवरों में कोई 10-12-20-25 रह जाएगा तब वो आउट होगा और वो आपको मैच विन करके देगा। हाँ जी उमर भाई क्या कहते हैं आप? फिलहाल तो कब्रस वक्त है, अभी मैच जारी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक हो। हाँ जी अली भाई, उमर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अभी 5-6 ओवर मुझे देख के तो फिर आपको बताएंगे। हाँ वैसे जैसा कि यार मैच की सिचुएशन पे है, इसमें तो बड़ी क्रूशियल सिचुएशन है, लेकिन मैच है क्रिकेट भाई, चांस है, किसी टाइम भी काया पलट सकती है, लेकिन ओवरों में 61 रह गया और एक बॉल अब हुई है और उसके ऊपर रिजवान आउट हो गया, क्या कहते हैं आप? ना पूछो। अच्छा अभी दिल जो है मेरा बड़ा ही, अभी सर में भी दर्द हो रहा है, टांगे में दर्द करी जा रही है, कम भी जा रहा हूँ, अभी मैं दवाई लेके आया, अभी अभी रिजवान जैसे ही आउट हुआ है ना, तो दवाई जाए डॉक्टर के पास गया हूँ, दवाई लेके आया हूँ, इस वजह से अभी थोड़ा सा हौसला हुआ है, तो दोबारा फिर देखते हैं क्या मामला करते हैं, अभी तो दिन बाहर को आई जा रहा है। चले आपको फिर बाद में टच करते हैं हम, ठीक है? बहुत परेशान पाकिस्तान ने कुछ गलतियां लग गए, शुरू शुरू से विकेट ले लिया ने, समझ लग पे कैसे की कर लिया है, लेकिन इन्होंने मैच में सारा लैके जाना चाहता है, बाबर आजम ने आखिरी गलतियां कीतिया ने, तू ना वाइट नो खेल, लेकिन ओवरऑल